इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप टू और मोर वीडियो फाइल्स मर्ज कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। मतलब कोई आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं इस प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे 5 वीडियोज़ हैं जिसको मैं अभी आपको यहाँ पे मर्ज करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सर्च ऑप्शन में सर्च करना है वीडियो एडिटर। ये देख सकते हो ये जो वीडियो एडिटर ऐप है ये ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है आपका विंडोज 10 में, तो आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एंड इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है एंड यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको नाम दे देना है अपना प्रोजेक्ट का। एंड यहाँ पे आप बाद में भी नाम दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर अभी दे दिया। देन आपको यहाँ पे ऐड में क्लिक करना है फ्रॉम दिस पीसी। देन आपको वो फाइल्स सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप मर्ज करना चाहते हो। देन ओपन, तो यहाँ पे फाइल ऐड हो रहा है एंड यहाँ पे ऐड हो गया। एंड अभी तो ये फिलहाल 5 सिलेक्टेड है, तो आपको ये 5 को एक साथ पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। तो ये यहाँ पे पैनल में आ गया। तो अभी इस वीडियो का ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो स्टार्टिंग में रहे तो आप इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे आके छोड़ देना है आपको। तो आप ऐसे करके कोई भी वीडियो के आगे कोई भी वीडियो बिठा सकते हो। तो ये हो जाने के बाद आपको फिनिश वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 ऑप्शन है। अगर आपको फाइल साइज थोड़ा सा छोटा चाहिए तो आप यहाँ पे लो सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको हाई क्वालिटी में चाहिए तो आपको हाई क्वालिटी सिलेक्ट करके रखना है। एंड यहाँ पे मोड ऑप्शन जो है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हार्डवेयर एक्सेलरेटेड एनकोडिंग है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये अगर राइट है मतलब ये एक्टिवेटेड है, इससे क्या होगा जो वीडियो एक्सपोर्ट होगा ये फास्टर होगा, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्लीचेस आता है, ठीक है। कोई अगर आपको जो एक्सपोर्ट फाइल होगा उसमें कोई ग्लीचेस देखने को मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप दोबारा जब इसको एक्सपोर्ट करोगे वीडियो को तो आप इसको ऐसे अनचेक कर देना, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्लोअर होगा, मतलब जो एक्सपोर्टिंग होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन कोई ग्लीचेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं अभी तो फिलहाल इसको चेक ही रखता हूँ, देन इसको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी इसको ये पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना है, तो मैं ये डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। एंड एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी एक्सपोर्ट हो रहा है एंड आप देख सकते हो कि बहुत जल्दी हो रहा है। एंड ये कंप्लीट हो गया एंड ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो कि वीडियो यहाँ पे चल रहा है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगता है तब वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं जब भी लाऊं आपको एक नोटिफिकेशन मिले।